प्लीज कंटिन्यू। जैसे कि अशोक जी ने कहा कि हम लोग महाराष्ट्र बेस्ड एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जहां से हम लोग लुब्रिकेंट के साथ साथ में एक एटोक्लिनिक का भी हमने एक बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया हुआ है। अवर मेजर लाइन ऑफ बिजनेस वाज अर्लियर टू व्हीलर फोर व्हीलर एंड एचसीवी के लुब्रिकेंट्स हम लोग बनाते हैं इंडिया में, सिलवास में हमारा फैक्ट्री है। और उसके साथ साथ में हमने एक नोटिस किया कि टू व्हीलर फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया में अपने को है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्चुअली टू व्हीलर के हिसाब से बनाया हुआ बिजनेस मॉडल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रेंड्स इन टू व्हीलर सर्विस एक्टिविटी अगर आप देखोगे, तो कोई भी बंदा जब मोटरसाइकिल परचेस करता है, मोटरसाइकिल परचेस करने के बाद वो पहले दो या तीन सर्विस वहां पे जहां से व्हीकल परचेस करता है, जिसको ऑथराइज सर्विस सेंटर कहा जाता है, जो ओईएम मैन्युफैक्चरर जैसे हीरो है, यामा है, ये जो ब्रांड्स है, इनके जो वर्कशॉप्स है, इसमें कराने की कोशिश करता है। बट बाद में दिक्कत उसको क्या होती है कि उसको अपॉइंटमेंट के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, गाड़ी छोड़ने जाना है, गाड़ी लेने जाना है। एट द सेम टाइम दिक्कतें और एक होती है कि जो वहाँ पे जो चार्जेस लिए जाते हैं, एक परसेप्शन होता है कि ये महंगा पड़ता है करके, तो उसके लिए लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो अपने यहाँ पे गली मोहल्ले में या अपने यहाँ पे जो मैकेनिक लोग होते हैं उनके पास जाके वो काम कराते हैं। ये जो मैकेनिक लोग है वो भी काफी स्किल्ड होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर गाड़ी का काम नहीं करते हैं, लेकिन दिक्कतें ये आती है उनके पास स्किल या एक्सपीरियंस होने के बावजूद उनके पास इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट जो कोई टूल्स है वो ना होने की वजह से वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी मात्रा में होती है। दूसरी दिक्कतें वहां पर यह आती है कि एवरेज कॉस्ट अगर आप देखोगे 75,000 से 90,000 का मोटरसाइकिल आप किसी ऐसे आदमी के हाथ में दो जो शायद इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता हो। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आज के तारीख में यूरो 4 यूरो 6 व्हीकल्स मार्केट में आ चुके हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, कंप्यूटराइज कंट्रोल, काफी सारे फंक्शंस आ चुके हैं इवन इन टू व्हीलर्स। तो ये सब जो नए टेक्नोलॉजी आ रही है इसको अवगत करने के लिए या इसमें जानकारी रखने के लिए हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मैकेनिक भाई लोग हैं वो उसमें इतने ज्यादा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। तो हमने जो ये बिजनेस कंसेप्ट बनाया है एटो क्लिनिक, क्लिनिक का मतलब है आप जैसे कोई भी अस्पताल में जाते हो, अपने आप खुद की मरम्मत या आपके हेल्थ के बारे में करते हो, सेम वे अपने जो ऑटोमोबाइल है उसको अच्छे हेल्थ में रखने के लिए एक कंसेप्ट हमने बनाया है जिसका नाम है एटो क्लिनिक। अभी हम लोग देखते हैं कि ओईएम में एक 3S टाइप का सेटअप होता है जिसको बोला जाता है सेल्स सर्विस एंड स्पेयर्स, जिसके अंतर्गत आप गाड़ी परचेस करते हो, वो सेल हुआ, उसको सर्विस कराते हो, ये उसका सर्विसिंग हुआ, और उसमें लगने वाले पुर्जे या स्पेयर पार्ट जो लगते हैं उसको 3S सेटअप बोला जाता है। तो ये सेटअप अपनी जो भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स है, ये मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से एक सेट स्टैंडर्ड बनाती है, उस हिसाब से वो चलता है। मेरा आपको कहना ये रहेगा कि ये सेटअप बहुत बढ़िया से एज पर OEM रिक्वायरमेंट्स स्टैंडर्डाइज किया जाता है और उसके ऊपर मॉनिटरिंग होता है। जो गाड़ी आज अपन 80,000 से 1,00,000 रुपए के बीच में ले रहे हैं वो कुछ दिन अपन यहाँ पे सर्विस करा रहे हैं, बाद में अपन उसको सर्विस नहीं करा पाते हैं क्योंकि काफी सारे हर्डल्स अपने को यहाँ पे मिलते हैं। तो हम लोग गाड़ी कहाँ ले जाते हैं, इस टाइप के सेटअप में ले जाते हैं। ये पूरा मैसी आप देख सकते हो, कहीं पे कुछ पड़ा है, स्पेयर्स ढंग के नहीं है, गाड़ी कहीं खड़ा है, मिट्टी में खड़ा है, और ये गाड़ी अपन उनके हाथ में देते हैं। तो ये एक सेटअप और ये सेटअप, इसमें अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे तो इसके बीच का कोई भी ऑप्शन हमारे पास आज के तारीख में अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों के बीच में एक बढ़िया सा ऑप्शन टू व्हीलर ओनर्स के लिए दिया जाए, ये इसके पीछे की हमारी भावना है और ये करने का हमारा मेजर इंटेंशन है। आप देखोगे कि इंडिया में टू व्हीलर का पॉपुलेशन कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, पिछले 30 साल में देखोगे जब से 100 cc मोटरसाइकिल्स मार्केट में आई है या स्कूटर्स आई है, स्कूटरेट आई है, लार्ज पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए अपने पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी नहीं है, इसके लिए ज़्यादातर लोग टू व्हीलर के ऊपर डिपेंडेंट है। आज कोई भी एवरेज फैमिली में देखा जाए तो छोटे से छोटे फैमिली में एक या दो पहिया वाहन देखे जाते हैं,
बहुत बड़ा डिमांड ये टू व्हीलर जो यूज होती है इसको सर्विस कराने के लिए भी रिक्वायर्ड है। कहने का मतलब यह है कि ये पोटेंशियल बिजनेस इसके लिए है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में लगभग 9 करोड़ प्लस इंडिया में मोटरसाइकिल का आज के तारीख में पॉपुलेशन पिछले साल की फिगर का था, और आने वाले कुछ दिनों में इवन इलेक्ट्रिकल व्हीकल आती है उसके बावजूद इसमें काफी सारी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इन शॉर्ट जो बिजनेस ओईएम के साथ में है या जो 3S वर्कशॉप में जाता है और अनऑर्गेनाइज में जाता है, इसके बीच का मॉडल ये ऑटो क्लिनिक प्ले करने जा रहा है। ये जो वैक्यूम है उसको अपन फिल करने की कोशिश करने वाले हैं। और भी इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या हो गया ऑटो क्लिनिक के, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये न्यू ट्रस्टेड ऑप्शन विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, जो आपके कंज्यूमर है कस्टमर है इनके लिए एक बहुत बढ़िया सा मॉडल अपन ये इस ऑटो क्लिनिक के माध्यम से देने जा रहे हैं। वहां पे जो स्टाफ रहने वाला है उसको ट्रेनिंग टाइम टू टाइम दिया जाएगा, नए जो टेक्नोलॉजी उससे अवगत कराया जाएगा। वहां पे जो पार्ट्स बिकने वाले हैं जैसे कि स्पेयर्स है, टायर्स है, लुब्रिकेंट है, बैटरीज है, हम लोग इंश्योरेंस भी वहां पे देने जा रहे हैं, वो सब स्टैंडर्ड और क्वालिटी फिटमेंट्स के तौर पे दिए जाएंगे। एक अश्योर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट की और सर्विस की हमारी तरफ से दी जाएगी कंज्यूमर को। एक सेट स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत आने वाले कस्टमर को पूरा सेटिस्फेक्शन मिले, ये हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य रहने जा रहा है। कहने का मतलब यह है इन शॉर्ट ऑल टू व्हीलर नीड्स अंडर वन रूफ, ये हमारा एक उसके अंदर का मेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए उद्देश्य रहने जा रहा है। और इनडायरेक्ट बेनिफिट में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। अभी ब्रांड स्टोरी में अगर बताया जाए तो व्हाट टू हैव ओन, जो भी कोई अपना बिजनेस ऑटोमोबाइल सेक्टर में आना चाहता है तो उसको हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे या उनको हम लोग डिमांड करेंगे या उनको आप ऑफर देना चाहेंगे, आप इंडिल्यूब ऑटोक्लिनिक के साथ जरूर जुड़िए। इसमें आप लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा काम कम 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 पैसा लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हमारा जो विजन है एक ऑटोमोबाइल सेक्टर जो 9 करोड़ से बड़ा सेक्टर है उसमें काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अपग्रेड एग्जिस्टिंग बिजनेस पार्टनर्स, जो कोई टू व्हीलर वर्कशॉप आज की तारीख में चला रहे हैं उनको एक स्टैंडर्डाइज बिजनेस मॉडल में लाने की भी हमारी एक कोशिश रहने वाली है। एक यूनिक बिजनेस मॉडल जिससे जो यूथ है जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है लेकिन एक स्टैंडर्ड बिजनेस में आना चाहते हैं, वो गैराज चलाने में शायद इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे बट एक ऑटो क्लिनिक फ्रेंचाइजी बिजनेस के तौर पे चला सकते हैं। जैसा कि अशोक जी ने बताया हम लोग चाहते हैं कि पैन इंडिया में आने वाले कुछ समय में 150 से ज्यादा लोकेशंस पे हमारी ऑटो क्लिनिक की शाखाएं और फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। इंडिल्यूब ऑटो क्लिनिक जो है ये क्यों करना चाहिए या किस इसमें, जो कोई नया बिजनेस पे आना चाहता है जैसे मैंने बताया एग्जिस्टिंग टू व्हीलर बिजनेस जो कर रहे हैं उनको डाइवर्सिफिकेशन सर्विस इंडस्ट्री में करना है उनके लिए है, ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस चल रहा है और घर में एक या दो लोग ऐसे हैं कि जिनको एडिशनल बिजनेस की जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए भी ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से हम लोग आगे दे जा सकते हैं। ब्रांड के तरफ से हम जो सपोर्ट देने जा रहे हैं, एक तो कॉरपोरेट ब्रांड बिल्डिंग और आइडेंटिफिकेशन हमारी तरफ से हो रही है, हम लोग ऑलरेडी फ्रेंचाइजी की तरफ से जुड़ चुके हैं, इनके साथ में काफी सारे एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं, सेल्स और वर्कशॉप मैनेजमेंट के लिए जो एक गाइडेंस लगता है ये हम लोग इस इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए बड़े कंपनीज के साथ रिटायर्ड साहब लोग हैं या जो ऑफिसर्स थे उनको हमारे पैनल पे लिया है। जिस तरह से 3S सेटअप चलता है बड़े वर्कशॉप्स का उसी तरह से हमारा ऑटो क्लिनिक का भी सेटअप चला है, इसके लिए उनसे हमने पूरा गाइडलाइंस लेके एक मॉडल तैयार किया है। POP है, आर्टिकल्स है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाइप है, कॉरपोरेट बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज है, ये भी सपोर्ट आपको हमारे ब्रांड की तरफ से मिलेगा। CRM जैसा कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया कैंपेन है, डिजिटल मार्केटिंग है और आने वाले दिनों में जो भी कुछ रिक्वायर्ड मार्केटिंग सपोर्ट है वो सपोर्ट हम लोग एक्सटेंड करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा जो ऑटो क्लिनिक के माध्यम से है वो लो कॉस्ट और हाई मार्जिन है। हाईली एक्सपीरियंस प्रमोटर हम लोग जो भी प्रमोट कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं या हमारे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं वो टू व्हीलर इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से पिछले
तीन डिकेड से ऑलमोस्ट 25-30 साल से जुड़े हुए हैं। ब्रांड सपोर्ट आपको रेगुलर मिलने वाला है, एस्टेब्लिश ब्रांड है, 100% बिजनेस ट्रांसपेरेंसी रहने जा रही है। जो हमारे साथ जुड़ेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म हमारे साथ जुड़ा रहे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, कंप्लीट नो ऑफ बिजनेस। आप नए भी अगर बिजनेस में हो और आपको अगर बिजनेस कोई जानकारी नहीं है, उसको भी हम लोग बिजनेस कैसा करना है, कैसा आगे ले जाना है, इसके लिए पूरा मैनेजमेंट सपोर्ट हमारे तरफ से देने जा रहे हैं। फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट्स आपको 3 से 8.5 लाख के बीच में है। इसमें आपकी जगह के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। यहाँ से सिंगल रैम से लेके 4 रैम तक, जहाँ पे गाड़ी का काम होता है उसको रैम बोला जाता है, उस हिसाब से आपको ये 45% के आसपास आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने जा रहा है। आपने आज जो पैसा इन्वेस्ट किया है, अगले 18 से 24 महीने में आपने किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न मिलने जा रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो ऑपरेशनल कॉस्ट है 1.5 से 3.5 लाख के बीच में, इक्विपमेंट है 1.5 से 4.5 लाख के बीच में, फर्नीचर फिक्चर है 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में। जगह पे डिपेंड करता है कितनी बड़ा जगह में आप काम करना चाहते हो। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग 50,000-25,000 का भी हम लोग एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग शुरू से कर सकते हैं 1 लाख रुपए तक। छोटी कस्बे में अगर आप काम चालू करना चाहते हो तो वहां पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, लेकिन पुणे जैसे या बेंगलोर जैसे, सूरत जैसे बड़े शहर में अगर आप जाना चाहते हो तो वहां पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट इनिशियली आपको ज्यादा करना होगा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के लिए कंपनी के साथ साथ। तो ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट की ब्रेकअप है। जो कॉस्टिंग हमने लिया है, एवरेज हमको 6 महीने के बाद में 8 गाड़ी आपको पर डे आपके यहाँ सर्विसिंग को आएगी। और आपका यहाँ से जो ऑयल सेल होने वाला है, जो 5 लीटर के आसपास आपका मंथली डेली सेल होने वाला है, 7-8 गाड़ी ऐसी रहेगी जिसको स्पेयर्स लगने वाले हैं, एक्स्ट्रा लेबर, छोटा मोटा काम करने वाले, मेजर जॉब, 1 महीने में 3-4 बड़े जॉब जिसको एक्सीडेंट जॉब कहा जाता है, इसके लिए भी हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं। ऐसा कुल मिला के आपको मंथली रेवेन्यू डायरेक्ट जो जनरेट होने वाला है 1.25 लाख के बीच में, 1,25,250 रुपए 1.25 लाख के बीच में आपका डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट होने जा रहा है। इनडायरेक्ट रेवेन्यू भी आपके रहने वाले हैं, जैसा वेस्ट ऑयल है, स्क्रैप है, कूपन आते हैं ऑयल में, इंश्योरेंस रिन्यूअल के पैसे मिलने वाले हैं। ये सारा मिला के 6,500-6,650 रुपये आपको वो आने वाला है। तो ग्रोस रेवेन्यू आपका जनरेशन 1,30,000 के आसपास मंथली रहेगा आफ्टर 6 मंथ। इसमें एक्सपेंसेस पार्ट अगर देखोगे, आपका खुद का जगह है तो भी उसका अपन रेंट पकड़ के चल रहे हैं। एवरेज रेंट हमने लिया है 12,000 रुपया। पुणे में हमारी जो ऑटो क्लिनिक चल रही है वहाँ पे 16 से 18 हजार के बीच में है। नासिक और सराउंडिंग में या नांदेड़ और सराउंडिंग में वहाँ पे 8,000 से 10,000 के बीच में, तो एवरेज हमने 12,000 लिया है, कम ज्यादा हो सकता है। सैलरी स्किल्ड मैकेनिक जो रहेगा, शुरू में आपको एक ही बड़ा मैकेनिक चाहिए जो इसमें नॉर्मल 9 से 10 हजार रुपये चल रहा है, हमने 12,500 रुपये सैलरी उसकी लेके पकड़ी है। सैलरी हेल्पर शुरू में आपको 2 की जरूरत नहीं, एक का या एक आदमी से काम चल सकता है। 14,000 रुपये 2 जन का पकड़ा है तो 7 से 8 हजार रुपये आप वहां पे सेव कर सकते हो। जो ओनर खुद चलाने वाला है उसको अपना एक सैलरी होना चाहिए, अगर वो कहीं काम करता है तो उसका भी हमने 15,000 रुपये लेके चला है। इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस लगभग 1,500 रुपये है। मिसलेनियस टैक्सेस साल के 5-6 हजार होते हैं तो एवरेज मंथली 400 रुपये आप पकड़ के चलिए। फाइनेंस कॉस्ट जो आप 5-6 हजार रुपये, 5-6 लाख या 4 लाख जो डालने वाले हो, वो अगर आप बैंक में रखते हो तो सिंपल इंटरेस्ट 1% से कैलकुलेट किया है, वो भी 6,000 उसमें पकड़ा गया है। मंथली मेंटेनेंस ये आपको पूरा जो सपोर्ट दिया जाएगा उसका हमारा कुछ 8,000 रुपीज फीस आता है। कुल मिला के 60 से 70 हजार के बीच में आपका एक्सपेंसेस होने वाला है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेवेन्यू माइनस आपका एक्सपेंसेस 60 से 70 हजार मंथली आप इसमें विथ योर सैलरी कमा सकते हो। आपका सैलरी अगर इसमें ऐड करोगे तो आपका आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो लगभग आप 75 से 80 हजार रुपये ले सकते हो। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। एक एप्लीकेशन आपको करना है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, आपको लेटर ऑफ इंटेंट हमारे यहाँ से इशू किया जाएगा, लोकेशन और अप्रूवल आपको हमारे कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, साइट वर्क्स और वेंडर क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, इसका एक प्लान दिया जाएगा। फाइनल पेमेंट करेंगे, उसके साथ साथ में आपकी इक्विपमेंट्स का ऑर्डर हो जाएगा, लोकल सपोर्ट के लिए एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, आपका जो मैन पावर है जिसके अंदर वो रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग वो स्टार्ट होगा, पेंडिंग डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ ये करके जो भी आपके शॉपा एक्ट या जो भी GST रजिस्ट्रेशन है वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जाएगी। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हमारी तरफ से आपको दिया जाता है और इनोग्रेशन एंड स्टार्ट ऑफ एटो क्लिनिक, ये सारी प्रोसेस को मैक्स टू मैक्स 15 दिन से 1 महीने के बीच में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं।
कुछ फोटोग्राफ शेयर करना चाहूंगा। ये हमारे लुब्रिकेंट्स ब्रांड है, प्रीमियम लुब्रिकेंट्स है, काफी सारी कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आज के तारीख में। ये इक्विपमेंट्स है जो हम लोग देते हैं आपके ऑटो क्लिनिक के अंदर जो रखे जाते हैं, कॉम्प्रेसर्स पूरे स्टैंडर्ड ब्रांड के हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा ऑटो क्लिनिक लॉन्च का इवेंट है, उसके फोटोग्राफ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। ये आप देख सकते हो, ये नासिक के पास एक जगह है सातपुर करके, वहां पे एक पुराना एक इस तरह से नया कंस्ट्रक्शन बन रहा था जिसको हमने कन्वर्ट किया इस तरह से। आप देख सकते हो कि इस जगह को कितना फेसलिफ्ट करके अपन कितना बढ़िया सा बेहतर प्रेजेंटेशन एटो क्लिनिक के माध्यम से दे सकते हैं। इस तरह का ये इंटरनल आप देख सकते हो जिसमें आप लेटेस्ट इक्विपमेंट है। मुझे कहने में खुशी है कि ये जो इक्विपमेंट है जो हम लोग परचेस करते हैं, जैसे यामा है या आपकी बजाज टीवीएस जैसी बड़ी कंपनीज है जहाँ से प्रोक्योर होता है, वही टाइप के इक्विपमेंट्स हम लोग हमारे ऑटो क्लिनिक में सप्लाई कर रहे हैं। ये फिनिश किया हुआ आप देख सकते हो, ये ओपनिंग के कुछ फोटोग्राफ्स है। ये हमारी टीम है जो ऑटो क्लिनिक प्रमोट करती है। ये और एक फ्रेंचाइजी हमारा, पहले इस तरह से जगह थी, बाद में उसको हमने डेवलप करके इस तरह से बनाया हुआ है। ये इसका इंटीरियर है, ये बड़ा वर्कशॉप है हमारा। पूरे यूनिफॉर्म वगैरह के साथ में प्रॉपर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक प्रॉपर लुक दिया गया है। जहां पे हम लोग ऑटो क्लिनिक स्टार्ट करते हैं वहां पे प्रेस रिलीज वगैरह के लिए भी हम लोग कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, तो आप ये देख सकते हो प्रेस में यह कवरेज दिया हुआ है हमारा। और एक एनजीओ है इंडिया रोड सेफ्टी फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हम लोग लोकल पुलिस, लोकल अथॉरिटीज, कॉरपोरेट्स के साथ में एक्टिविटी करते रहते हैं, और इसका मेंबरशिप हम लोग IRSF का ऑनररी देते हैं हमारे ऑटो क्लिनिक के जो फ्रेंचाइजी ओनर है उनके लिए। ऑटो क्लिनिक जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल है ये ISO सर्टिफाइड है। ये कुछ जानकारी हमारी थी, इसमें आपको नंबर आप देख सकते हो, और एक नंबर लिख लीजिए 7030505070। ये नंबर भी आप एक एडिशनल नंबर है हमारा ऑटो क्लिनिक का फ्रेंचाइजी के लिए। मैं वापस एक बार बोलता हूँ 7030505070 7030505070। मैं अशोक जी चाहूंगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन या कोई डाउट